नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट। मैंने आपको पैराबोला के जो जेई 2022 में मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिफरेंट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से बताया। मैंने आपको समझाया कि टेंजेंट निकालने के कितने तरीके हैं। एक है इक्वेशन एक्स वन वाई वन, अगर पॉइंट लाई कर रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे, एक इक्वेशन लिखने का तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर 80 स्क्वायर कॉमा 280 है उसका इक्वेशन ये है। हम ये ड्राइव कर चुके हैं पहले। एंड वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई भी लाइन कब टेंजेंट होगी, वेन सी इज इक्वल टू ए बाई एम एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हमारा जो राइट हैंडेड पैराबोला है उस केस में ये पॉइंट हो जाएगा ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के केस में ए की जगह माइनस ए कर दें, वाई इज इक्वल टू एम एक्स -a बाई एम। यहाँ पे -a बाई एम स्क्वायर -2a बाई एम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो हमारा ऊपर वाला पैराबोला है। ऊपर वाले पैराबोला में एक्स और वाई इंटरचेंज कर दें इस इक्वेशन में, तो एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस ए बाई एम, और यहाँ पे भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज कर दें एंड एक्स इज इक्वल टू एम वाई माइनस ए बाई एम। अगर हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है, एक्स इज इक्वल टू -4ay, एक्स इज इक्वल टू एम वाई माइनस ए बाई एम, और यहाँ पे ये वाले कोऑर्डिनेट्स इन दोनों में ए की जगह माइनस ए आ जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अभी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज करवाने जा रहा हूँ पैराबोला की, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इनको क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी है टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड। कोई भी फोकल कोड है जो कि फोकस एस हमारा फोकस है उसके बीच से निकल रही है। दो पॉइंट है पी एंड क्यू। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 81² कॉमा 281, क्यू के हो गए 82² कॉमा 282। द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड ऑफ अ पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और अगर ये टेंजेंट इनके ऊपर 90 डिग्री पे कट करेंगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ होंगे, जो इस पॉइंट से नॉर्मल निकलेगा इस पॉइंट पी से एंड क्यू से, वो भी 90 डिग्री पे कट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ड्राइव करना बड़ा ही ईजी। लेटस से आर, हमें आर के कोऑर्डिनेट पता है। अगर आर हमारा, दो टेंजेंट आर के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए टी वन टी टू कोमा ए टी वन प्लस टी टू। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ये बड़ा ईजी है कि दो टेंजेंट, क्योंकि हमें आरपी की इक्वेशन पता है। आरपी की इक्वेशन क्या होती है हमारी, आरपी की इक्वेशन होती है टी वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन का स्क्वायर, एंड आर क्यू की इक्वेशन हमारी होती है टी टू इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू का स्क्वायर। सो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके आप आर के पॉइंट निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, देखने वाली बात यह है कि ये दो लाइंस की जो जो स्लोप है, आरपी की स्लोप क्या है, आरपी की स्लोप है हमारी, आरपी स्लोप है हमारी, लेट अस से इसको हम एम वन कह लें। आरपी की स्लोप कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1/T1। एंड आर टू की, आर क्यू की स्लोप कितनी है हमारी, लेट अस इसको एम टू कह लें, दैट इज इक्वल टू 1/T2। इन दोनों का प्रोडक्ट करें, एम वन इंटू एम टू दैट इज इक्वल टू 1/T1 इंटू 1/T2। This implies 1/T1 T2। And friends, if you remember, मैंने last time आपको कराया था, अगर focal cord होगी, अगर ये वाली cord focal cord है, means focus से pass कर रही है, तो T1 T2 की value कितनी होती है हमारी, -1। ये result मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। So इसका मतलब है ये value कितनी होगी, -1। इसका मतलब दो lines की slope का product -1 कब होता है, when the two lines are perpendicular to each other। So इसका मतलब है ये line और ये line आपस में perpendicular है। सो क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर फ्रेंड्स। ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, आरपी एंड आरक्यू। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आर पॉइंट के ऊपर कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड हाउ वी गेट टू नो कि आर जो है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है। आर में ये वाला आर का पॉइंट है, यहाँ पे टी वन टी टू की वैल्यू -1 पुट करें तो ये हमारा आ जाएगा -a, a t1 प्लस t2। सो ये कोई भी पॉइंट जो होगा एक्स इज इक्वल टू -a पे लाई करेगा। इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू -a। सो इस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी पॉइंट पी एंड क्यू की जो कोड है, फोकल कोड है अगर, तो वहां से जो दो टेंजेंट निकलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेंगे, एंड कितने एंगल पे मिलेंगे, 90 डिग्री पे मिलेंगे। क्लियर है जी। इसका मतलब है यहाँ पे जो दो टेंजेंट निकलेंगे वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेंगे एंड 90 डिग्री पे मिलेंगे। ये क्लियर है। अब फ्रेंड्स, इसी से एक और चीज निकलती है, जिससे दूसरी चीज क्या निकलती है फ्रेंड्स, इफ
टी वन इज इक्वल टू वन, टी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन। अगर टी वन वन है टी टू माइनस वन है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आर की वैल्यू अगर हमारी हो जाएगी आर हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, क्योंकि टी वन प्लस टी टू क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये आर पॉइंट कहाँ लाई करना शुरू कर देगा, एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा माइनस ए जीरो पॉइंट मीन्स आर ऊपर शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे। उस केस में कैसा डायग्राम बनेगा, उस केस में डायग्राम ऐसा बनेगा, उस केस में डायग्राम कैसा बनेगा, लेट अस सी दिस इज द पैराबोला, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे पॉइंट है हमारा ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, ये बन गया हमारा ए टू ए, एंड यहाँ पे इसके बिल्कुल वर्टिकली नीचे पॉइंट है हमारा ए माइनस टू ए, क्योंकि टी टू की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस वन एंड टी वन की वैल्यू हमारी है वन, सो ये हो गया ए टू ए, ये हो गया ए माइनस टू ए। सो यहाँ पे जो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है वो यहाँ लाई कर रहा है। सो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, ए टी स्क्वायर ए टी वन स्क्वायर, टी वन की वैल्यू मैंने कर दी वन, सो यहाँ पे होगा ए टू ए, यहाँ पे होगा ए माइनस टू ए, और ये वाला पॉइंट जो नीचे था आर ये यहाँ पे लाई कर गया, ये आर पॉइंट यहाँ आ गया माइनस ए जीरो। अब यहाँ से जो दो टेंजेंट जाएंगे लेट अस से एक पी के ऊपर एंड लेट अस से दिस इज पी पॉइंट एंड एक पॉइंट हमारा क्यू के ऊपर, ये क्यू पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट के ऊपर ये क्या होंगे 90 डिग्री के ऊपर होंगे। सो ये हमने इसी की क्रोधरी से जो हमने अभी ऊपर ये निकाला है, इसी की क्रोलरी से मैंने ये निकाला है कि अगर t1 is equal to 1 हो गया, t2 is equal to minus 1 हो गया, सो उस केस में हमारा r की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ए जीरो, आर हमारा ऊपर चला गया, p हमारा a कॉमा टू ए हो गया, q हमारा a कॉमा माइनस टू ए हो गया, t2 की वैल्यू होगी माइनस टू ए। सो यहाँ से हमारा ये फ्रेंड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है। आप इस ट्रायंगल को देखें, आर पी क्यू को देखें, तो आर पी क्यू में आप देखेंगे क्या ये ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही है, बट फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे ये लेंथ ए टू ए माइनस ए एंड ए माइनस टू ए, और ये लेंथ आर पी की जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू आर क्यू, जो लेंथ है वो लेंथ आर पी इज इक्वल टू आर क्यू हो गया। सो ये राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये आप निकाल के देख सकते हैं आर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस माइनस ए, सो ए प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, सो इट मीन्स यहाँ पे आ गया हमारा रूट टू इंटू टू ए, टू ए इंटू रूट टू, टू ए कॉमन आ गया इंटू रूट टू आ गया, एंड यहाँ पे हमारा आ गया आर क्यू, आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट, यहाँ पे हमारा a प्लस a इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारा आ गया रूट टू इंटू टू ए। सो आर पी एंड आर क्यू की वैल्यू सेम है, सो ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे दो पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया फ्रेंड्स जिसकी लेंथ है 4a, और ये सबसे शॉर्टेस्ट जो डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट कोई भी और हो सकती है, ये भी डबल ऑर्डिनेट हो सकती है, इसके आगे और भी डबल ऑर्डिनेट हो सकती है, डबल ऑर्डिनेट कोई भी हो सकती है, लेकिन डबल ऑर्डिनेट जो हमारी यहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, सबसे शॉर्टेस्ट डबल ऑर्डिनेट क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम होती है। लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को कहाँ मिलेंगे, माइनस ए जीरो पे मिलेंगे, एंड डायरेक्ट्रिक्स को कितने एंगल पे मिलेंगे 90 डिग्री पे मिलेंगे, एंड ये ट्रायंगल कौन सी होगी, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है मैं दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, ट्रायंगल फॉर्मड बाय टेंजेंट्स टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस is the latest rectum only at the end of latest rectum and double ordinate true focus is equilateral, no it's not equilateral, isosceles, it is isosceles, right angled isosceles, yes it is right angled as well as isosceles dependent on the value of a for its classification, so hamara answer hai isme c, right angled isosceles triangle, ye aap dekh sakte hain ki agar hamare latest rectum ke do ends pe tangent draw kiye jaye to wo directrix pe milte hain, माइनस ए जीरो पे मिलते हैं, एक्सिस पे मिलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जो पॉइंट है वहां पे मिलते हैं, कितने एंगल पे मिलेंगे 90 डिग्री, एंड उसकी एक और प्रॉपर्टी है आर पी इज इक्वल टू आर क्यू, दोनों की लेंथ जो होगी बराबर होगी, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल पे मिलते हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई, दो प्रॉपर्टीज होगी हमारी, मैंने इससे पहले जो आपको करवाई
ये वाली प्रॉपर्टी टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑलवेज मीट एट द डायरेक्ट्रिक्स, ऑलवेज मीट एट द डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि टी वन टी टू हमेशा माइनस वन रहना है, सो डायरेक्ट्रिक्स पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑलवेज मीट एट द डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑलवेज मीट एट राइट एंगल। हाँ, हो सकता है आर कहीं भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है, आर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा, ये श्योर है। हाँ, स्पेशल केस कौन सा है, अगर लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम के केस में हो गया टी वन इज इक्वल टू वन, टी टू इज इक्वल टू माइनस वन, लेटस रेक्टम के केस में ये जो पॉइंट है ये एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, एंड उस केस में हमारा लेटस रेक्टम शॉर्टेस्ट डबल ऑर्डिनेट होता है, फोर ए लेंथ होती है, और उस केस में लेटस रेक्टम के केस में जो ट्रायंगल बनेगी वो ट्रायंगल हमारी होगी राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं एक और क्वेश्चन मेंस में आया हुआ सिंपल क्वेश्चन, आप इसमें कितना दिमाग लगाना चाहें, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है, पॉइंट ऑन दिस लाइन, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट टू पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू गिवन टेंजेंट इज, समझ रहे हैं आप, ये हमारा पैराबोला है, लेट अस से यहाँ पे हमारा इसका वर्टेक्स 0 0 पे है, एंड इसका जो हमारा 4a इज इक्वल टू 8 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, सो इसका फोकस हो गया हमारा 2 0 के ऊपर, एंड डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी x इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर, सो ये हमारा पैराबोला दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि कोई टेंजेंट है y इज इक्वल टू x प्लस 2, लाइन इसकी टेंजेंट है, the point on this line from which the other tangent to parabola is perpendicular to given tangent is, कहने का मतलब y is equal to x plus 2 line कौन से दो पॉइंट से पास कर रही है, जब x 0 है तो y कितना है 2, let us say ये 2 पॉइंट हो गया, let us say 2 पॉइंट हो गया, एंड जब x y 0 x कितना है minus 2, so ये पॉइंट हो गया minus 2, ये आप देखेंगे ये जो लाइन की इक्वेशन है y, अगर मैं इसको प्लॉट करूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू मीन्स अगर x y अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी है ये, और यहाँ पे लेट अस से ये पॉइंट हो गया हमारा माइनस टू 0, एंड ये हमारा पॉइंट हो गया हमारा 0, 2, तो ये वाली लाइन जो है यहाँ से पास करते हुए और यहाँ पे टेंजेंट है, सो ये पैराबोला के टेंजेंट है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज दिस y इज इक्वल टू x प्लस 2, इस लाइन की मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया, पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट, पॉइंट ऑन दिस लाइन कौन सा पॉइंट होगा, वो यही पॉइंट है मेरे भाई माइनस 2 0 इज द पॉइंट जहां से कोई भी दूसरा टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस पैराबोला के इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, यही क्वेश्चन है आपका, पॉइंट ऑन दिस लाइन, द पॉइंट ऑन दिस लाइन इज माइनस 2 0, पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू गिवन टेंजेंट, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा पॉइंट होगा माइनस 2 0, सो बेसिकली हमने इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी थी, डायरेक्ट्रिक्स का जो कोई भी पॉइंट है माइनस 2 एंड इसके साथ 0 0, इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 के साथ और कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई, माइनस 2 0 इज द ओनली पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका मतलब है माइनस 2 0, और यहाँ पे भी आपकी वो थ्योरम एप्लीकेबल होगी कि ये जो दो पॉइंट्स होंगे ये आपके क्या होंगे लेटेस्ट रेक्टम होंगे, ये लेटेस्ट रेक्टम पे दो पॉइंट्स टच कर रही होगी, दैट इज वाई यहाँ पे माइनस 2 0 है। सो ये सिंपल जेई में 2007 में आया क्वेश्चन, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हैं इस थ्योरम के साथ कि ये पॉइंट जो होगा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर अगर ये आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर दूसरा जो टेंजेंट होगा आपस में 90 डिग्री के ऊपर कट करेंगे, ये वही वो क्वेश्चन कह रहा है। अगली प्रॉपर्टी जो मैं करवाने जा रहा हूँ जो इक्वली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट अस से पी पॉइंट है उसके ऊपर कोई टेंजेंट है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द पॉइंट, सो ये बड़ा ही ध्यान से समझने वाला पॉइंट, कौन से पॉइंट को ये कह रहा है कि बराबर होंगे, ये कह रहा है कि कोई भी अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट इन द पैराबोला बाइसेक्ट द एंगल, कौन से एंगल को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द पॉइंट, सो पी पॉइंट है, पी से हमने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पीएम,
एंड पी से फोकल डिस्टेंस हो गया हमारा पी एस। सो ये कह रहा है कि जो टेंजेंट होगा ये वाले एंगल को, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। सो कहने का मतलब है हमें हमें ये थ्योरम क्या कहती है कि एंगल एस पी टी, एंगल एस पी टी इज इक्वल टू एंगल टी पी एम, टी पी एम। सो ये थ्योरम ये कहती है, एंड कैसे प्रूव करना बड़ा इजी है। ये फ्रेंड्स इक्वेशन जो है, लेट अस से हमारे टेंजेंट की इक्वेशन ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी के ऊपर टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन क्या होती है टी इन टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स हमारे टी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जहाँ पे हमारा वाई जीरो है, वाई जीरो है इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लॉइज हमारे टी के कोऑर्डिनेट हो गए वाई जीरो एंड ए टी स्क्वायर। अब एस टी की वैल्यू कितनी आ गई, एस टी हो गया हमारा, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया ए, ये ओरिजिन है हमारा, एस टी हो गया हमारा, एस टी की वैल्यू होगी मेरी एस ओ प्लस ओ टी, एस ओ की वैल्यू कितनी है हमारी ए, एंड ओ टी की वैल्यू कितनी है हमारी ए टी स्क्वायर। ये हमारा एस टी की वैल्यू कितनी होगी हमारी ए प्लस ए टी स्क्वायर, लेकिन एस पी की भी वैल्यू इतनी है, किसी पॉइंट से जो पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट से अगर हमें फोकस का डिस्टेंस निकालना हो, फोकस से कितना दूर है, तो हमें क्या करना होता है सिंपली ए प्लस दैट पॉइंट, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दें, वो हमें पता चल जाएगा। ये बड़ी स्टैंडर्ड थ्योरम है कि भी कोई भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना हो तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और उसका जो फोकस का ए है दोनों को ऐड कर दें। ये स्टैंडर्ड थ्योरम है, एस पी इज इक्वल टू एस टी है, एस पी इज इक्वल टू एस टी का मतलब क्या हो गया हमारा, एस टी और एस पी ये दोनों हमारे इक्वल हैं। एस पी और एस टी अगर हमारे इक्वल हैं तो इसका मतलब है हमारा एस एंगल एस पी इज इक्वल टू एस टी, इसका मतलब हो गया हमारा ये वाला एंगल, अगर ये दो साइड इक्वल है इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल एस एस पी टी इज इक्वल टू एंगल एस टी पी, एस टी पी ये वाला एंगल हो गया, इसका मतलब है ये वाला दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब है ये दो साइड इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये साइड एस टी और एस पी इक्वल है, तो ये साइड हमारी इक्वल है तो ये एंगल इक्वल हो गया, एस टी पी इज इक्वल टू एस पी टी। अब जो एस टी पी हमारा एंगल है, एस टी पी जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल हमारा एस पी हमारा टी पी एम, टी पी एम, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल जो है हमारा दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमारे इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल है, इसका मतलब है दिस इम्प्लॉइज जो हमारा एंगल टी पी एम है दिस इज इक्वल टू एंगल एस पी टी, यही हमें प्रूव करना था। तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट ये दो लाइंस के बीच में बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। सो ये भी कई जगह आपको ये थ्योरम डायरेक्टली यूज हो जाएगी। इस प्रकार की जो है थ्योरम्स आपको जो शॉर्टकट मेथड प्रोवाइड करवाती हैं और आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाता है कई बार। सो इस प्रकार की थ्योरम्स को आप ज़रूर ध्यान में रखें, शॉर्टकट मेथड्स हैं और पैराबोला के ढेरों क्वेश्चन आप ट्राई करें। मैं जेई मेंस के और क्वेश्चन या एडवांस के और क्वेश्चन आपको ट्राई करवाऊंगा, एंड उसके बाद हम नॉर्मल अगला टॉपिक है वो हमारा नॉर्मल के ऊपर, सब नॉर्मल सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ जो है टेंजेंट कितनी होगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल, वो सारा अगले टॉपिक में करेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।